क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि w इज इक्वल टू जेड ई की पावर आल्टा पाई बाई फोर इंटू अंडर द रूट टू फाइंड द रीजन r डैश ऑफ w प्लेन। इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू w प्लेन के अंदर आपको रीजन कैलकुलेट करना है इन विच द रेक्टेंगुलर रीजन बाउंडेड बाई एक्स इजिकल टू जीरो वाई इजिकल टू जीरो एक्स इजिकल टू टू वाई इजिकल टू थ्री इन जेड प्लेन। ओके, जो कि जेड प्लेन में इस रीजन के द्वारा बाउंडेड है। डब्लू प्लेन के अंदर इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू रीजन कैलकुलेट करो, सिंपल सा क्वेश्चन ये है। ओके, चलते हैं भाई सॉल्व करते हैं। पहले ये देखो बेटा आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एक्स इजिकल टू जीरो। जेड प्लेन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये तो हुआ आपका एक्स, ये हुआ आपका पूरा जेड प्लेन, लिख दिया मैंने। ओरिजिन पॉइंट हुआ, ये हुआ आपका वाई एक्स। जैसे एक्स इजिकल टू जीरो वाई इजिकल टू जीरो एक्स इजिकल टू टू सपोज दैट ये है, वाई इजिकल टू थ्री सपोज दैट ये है, तो जाहिर सी बात आपके पास ये वाला निकल करके आएगा ग्राफ। भाई बी एस सी सेकेंड ईयर या एम एस सी के स्टूडेंट हो इतना तो समझ ही सकते हो ना, क्लियर है ना। वही रेक्टेंगुलर की बात कह रहा है ये। अब डब्लू प्लेन के अंदर ये क्या बनता है, कैसे बनता है, अपने को नहीं पता है, देखते हैं। बढ़ता है, घटता है, कोई एंगल रोटेट होता है, बात करते हैं। तो सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा मैं इसको। W इजिकल टू जो गिवन है मेरे को वो दे रखा है जेड ई की पावर आल्टा पाई बाई फोर इंटू अंडर द रूट टू, यही गिवन है ना। चलो तो W इजिकल टू क्या होता है, U प्लस आल्टा वी होता है, और Z इजिकल टू क्या होता है, X प्लस आल्टा वाई होता है। दोनों वैल्यू डाल दी मैंने, U प्लस आल्टा वी तो ये हुआ, Z की वैल्यू डाली एक्स प्लस आल्टा वाई ये हुआ, ई की पावर आल्टा थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा प्लस के आल्टा साइन थीटा। ये तीनों फंडामेंटल फार्मूले मान लो या फंडामेंटल कंसेप्ट मान लो या ये होते ही है मान लो, कुछ भी मान सकते हो, मेरी नज़र में तो सूत्र है। इसकी वैल्यू डाली कॉस पाई अपॉन फोर प्लस आल्टा साइन पाई अपॉन फोर हुआ और इंटू अंडर द रूट टू भी हुआ, क्लियर है ना बेटा। तो यहाँ से निकल गया यू प्लस के आल्टा वी इज इक्वल टू एक्स प्लस आल्टा वाई, तो ये हुआ कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, वन अपॉन अंडर रूट टू नहीं होती क्या, होती है ना। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, आल्टा अपॉन अंडर रूट टू ये हो जाएगा, गुणा अंडर द रूट टू है ये, कितना निकल कर के आया इधर, ये हुआ बेटा यू प्लस आल्टा वी इज इक्वल टू एक्स प्लस आल्टा वाई, तो ये है अंडर रूट टू, मैंने नीचे से कॉमन ले लिया एक बटे अंडर रूट टू कॉमन ले लिया, कितना बचा वन प्लस आल्टा गुणा अंडर द रूट टू, इससे ये कैंसिल, कितना निकल कर के आया बेटा यू प्लस आल्टा वी इज इक्वल टू, कितना निकल गया भाई यू प्लस आल्टा वी इज इक्वल टू निकला मेरे पास एक्स प्लस आल्टा वाई, और ये हुआ मेरे पास वन प्लस के आल्टा, गुणा कर लो अंदर U प्लस आल्टा वी इज इक्वल टू निकला मेरे पास, मैंने अंदर गुणा करी X प्लस आल्टा X प्लस आल्टा वाई, और माइनस के कितना भाई इसके गुणा इसके साथ X, उसके बाद आल्टा X आल्टा वाई माइनस प्लस के आल्टा स्क्वायर वाई, आल्टा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, तो ये मेरे पास निकल गया बेटा, इधर लिख रहा हूँ यू प्लस आल्टा वी इज इक्वल टू कितना बना मेरे पास एक्स प्लस के आल्टा एक्स प्लस आल्टा वाई माइनस के वाई। मैंने रियल और इमेजनरी को कंप्लीट अलग अलग किया, रियल एंड इमेजनरी मैंने सेपरेट किया, इमेज एन ए आर वाई अलग अलग करते ही यू की वैल्यू जो निकल करके आई कितनी निकली बेटा, देखो आप एक बार एक लाइन और लिख लो यहाँ पर आप यू प्लस आल्टा वी इज इक्वल टू एक्स, और ये हुआ एक्स माइनस वाई तो एक हुआ, आल्टा कॉमन लेने के बाद एक्स प्लस के वाई एक हुआ, होएगा ना। कंपेयर किया यू की वैल्यू कितनी निकली, एक्स माइनस वाई निकली, निकल गई ना। वी की वैल्यू कितनी निकली, एक्स प्लस के वाई निकल गई, आपके सामने है ना। देखो आप भाई डाउट है तो पूछो।
मैंने दोनों का कंपेयर किया, u की वैल्यू x माइनस वाई, v की वैल्यू x प्लस के वाई। आगे चल लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया पुत्र, वो ये निकला, u इजिक्वल टू जो निकल कर के आया वो आया है, u इजिक्वल टू आया मेरे पास x माइनस के वाई, और v इजिक्वल टू जो निकल कर के आया वो निकला है x प्लस के वाई। मेरे को गिवन क्या दे रखा है भाई, गिवन है x इजिक्वल टू ज़ीरो, मेरे को गिवन है x इजिक्वल टू ज़ीरो दे रखा है, y इजिक्वल टू ज़ीरो दे रखा है, x इजिक्वल टू टू दे रखा है, y इजिक्वल टू थ्री दे रखा है। ये चार वैल्यूज दे रखी है ना, कैलकुलेट करते हैं। तो भाई जब x इजिक्वल टू ज़ीरो है, x इजिक्वल टू ज़ीरो पर देखता हूँ, x इजिक्वल टू ज़ीरो, u इजिक्वल टू कितना निकल गया भाई, माइनस के वी वाई, और v इजिक्वल टू कितना निकल गया x इजिक्वल टू ज़ीरो पर, v इजिक्वल टू कितना निकल गया, y निकल गया। दोनों के बीच में कनेक्शन होएगा ना, कि दोनों को अगर मैं कंबाइंड करता हूँ तो कितना निकल कर क्या, u बराबर माइनस वी होएगा, इक्वेशन नंबर ए तो ये होएगी। अगेन देखता हूँ y इजिक्वल टू ज़ीरो, जब y इजिक्वल टू ज़ीरो, u की वैल्यू कितनी निकली x, v की वैल्यू कितनी निकली x, तो यहाँ से एक रिजल्ट और निकल गया, u बराबर v, सपोज दैट इक्वेशन नंबर बी है। आगे की बात कर लेते हैं, अगेन x इजिक्वल टू टू पर चेक करते हैं, अब की बार u इजिक्वल टू कितना निकला, टू माइनस वाई, v इजिक्वल टू कितना निकला, टू प्लस के वाई। ठीक है ना भाई, क्लियर। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ, दोनों को जोड़ करके देखो आप, ये कितना निकल गया, u प्लस के वी इजिक्वल टू कितना हुआ, फोर। जोड़ करके देखो तो ये कट जाएंगे ना, इक्वेशन नंबर सी ये निकल गई, क्लियर। एक और भी देखते हैं लास्ट रिजल्ट, y इजिक्वल टू थ्री पर भी चेक करते हैं, u इजिक्वल टू कितना हुआ, थ्री माइनस के एक्स, सॉरी गलती कर दी मैंने, u इजिक्वल टू कितना हुआ, x माइनस के थ्री, v इजिक्वल टू कितना हुआ, x प्लस के थ्री, क्लियर। x ख़त्म करना है, दोनों को घटा दिए मैंने, अब की बार ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये तो ख़त्म। ये कितना निकल गया भाई, u माइनस वी इजिक्वल टू माइनस तीन माइनस तीन माइनस का छः, इक्वेशन नंबर इसको d मान लो। देखो बेटा आपकी बार क्या होगा, क्या कमाल हुए हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन ये था, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन था इस बेस पे। मैं दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, चार इक्वेशन है, चारों को मिलाने की कोशिश करूँगा। अब देखना आपकी जो जो चारों इक्वेशंस हैं, यहाँ बनाता हूँ, इधर यहाँ को बनाता हूँ, यहाँ को चलो अलग पेज पर बना लेता हूँ यार, इस पेज पर बना करके दिखाता हूँ। इक्वेशन तो आ गया है ना, ये आपकी इक्वेशन रही चारों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, नहीं यू एंड वी। एक तो है यू बराबर वी, यू बराबर वी का ग्राफ तो ये होता है, आपको पता है। एक है यू बराबर माइनस के वी, तो जाहिर सी बात है यू बराबर माइनस के वी एक ही होगा, यू बराबर माइनस के वी। गड़बड़ हो सकती है यार, नीचे को बनाना पड़ेगा भाई, प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ बनाऊँगा बड़ा सा, u बराबर वी तो या, u बराबर माइनस वी सपोज दैट या, u बराबर वी और u बराबर कितना हुआ है, माइनस के वी। ओके ये u और ये v, आगे देखता हूँ। यहाँ कह रहा है u प्लस वी बराबर फोर, यानी u भी फोर होना चाहिए, v भी फोर होना चाहिए, यू फोर होना चाहिए, वी भी फोर होना चाहिए, चार चलो भाई हम, यू फोर वी फोर, यू बराबर यू प्लस वी इजिक्वल टू फोर। इक्वेशन आपके पास जो निकल करके आएगी बेटा, कैसी इक्वेशन निकल करके आएगी ध्यान से देखना है। आपके पास यहाँ से यू भी फोर है, वी भी फोर है, यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन निकल करके आएगी ऐसे, क्लियर।
ध्यान से सुनना, ये आएगी ये वाली इक्वेशन, u प्लस के वी इज इक्वल टू कितना 4। क्लियर है ना? यहाँ से u की वैल्यू माइनस के 6, v की वैल्यू पॉजिटिव 6, u की वैल्यू माइनस के 6, v की वैल्यू पॉजिटिव 6। u की वैल्यू कितनी, अगर मैं v जीरो रखता हूँ, u की वैल्यू माइनस के 6, सपोज दैट माइनस के 6 ये है, v की वैल्यू पॉजिटिव 6, सपोज दैट ये है, ये इक्वेशन निकल करके आएगी ऐसे ऐसे। क्लियर? अब देखो बेटा जो ट्रांसफॉर्मेशन जो बना, यहाँ से एक लाइन मेरी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये, इनसे जो घिरा हुआ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये वाला रीजन निकल करके आया मेरे पास, ये वाला। समझ आती है ना? ये लाइन, ये वाली लाइन जो होगी, ये होगी u माइनस वी इज इक्वल टू माइनस के 6। ग्राफ बनाना तो जानते ही हो आप, बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो। देखो आप, पहले ग्राफ क्या था, पहला ग्राफ ये था, इसके अंदर चेंज हो चुका। ओके, एक डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, आपका कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना बेटा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एल आई एन ई ए आर डेफिनेशन, ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप कौन से टाइप का, डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपके पास आज के बाद कोई इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, इज नोन एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है ना? और ए एंड बी इज नोन, ए एंड बी आर इसके अंदर क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट होंगे भाई, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट। जैसे अगर मैं बोलता हूँ डब्ल्यू इज इक्वल टू वन प्लस आल्टा इंटू जेड प्लस के 5, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन और भी है बच्चों जो मेरे को बतानी है इस लेक्चर के अंदर, कम से कम 20 मिनट की तो क्लास हुई है छोटी सी, चलो इस पर बताता हूँ। छोटा सा पेज, बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको क्या बोलते हैं, मोबियस भी बोलते हैं, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, नाम तो आपको पता ही लग गया है। ध्यान से सुनना बेटा, ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म कौन से फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी इस तरह का आपको कोई फंक्शन दिया हुआ होगा W प्लेन के अंदर, जो उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो भी निकल करके आता है उसको मैं बोलता हूँ बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस के डी इज कॉल्ड
बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है ना भाई? और इसका एक नाम और भी होता है, और लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन ओके, वेयर ए बी सी डी क्या होते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट। क्लियर है ना? जहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं बेटा। इसके अंदर बेटा एक चीज और भी होती है कि अगर ए डी माइनस बी सी, ये जो कॉन्स्टेंट है ए डी माइनस के बी सी, अगर नॉट इज इक्वल टू जीरो हो, ओके, दिस इज नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी माइनस बी सी नॉट इज इक्वल टू जीरो हो, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अगर ए डी माइनस बी सी नॉट इज इक्वल टू जीरो है तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है ए डी माइनस बी सी नॉट इज इक्वल टू जीरो को क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर बाय चांस ए डी माइनस के बी सी, बेसिक डेफिनेशन है बेटा, बराबर वन है, ओके, देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज नॉर्मलाइज्ड। इफ ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू वन है, देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे ख्याल से इस लेक्चर के अंदर इतना ही रख लें तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, बाय।